العلي الحكيم العليم الكبير القدير نسلم ونصلي على سيد البشير المنير شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وتقينا ورزينا وهبينا محمدا عبده ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میدان قیامت وچ سب تو زیادہ جس جرم دی پاداش وچ انسان نو گرفتار کیتا جانا ہے اور سب تو زیادہ بندہ اللہ دے نزدیک جس معاملے وچ مجرم اور گناہگار ثابت ہونا ہے او معاملہ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرما دیتا ہے تاکہ دن قیامت دی لان تان تو اگر کوئی بندہ بچنا چاہے تا اس دا تدارک اپنی دنیا دی زندگی وچ کر سکدا ہے اگر کسے بندے نے اس معاملے وچ لاپرواہی کیتی اور غفلت اور سستی اور تغافل دا معاملہ کیتا تو پھر دن قیامت دے ایسا شخص اللہ دی لعنت تو اللہ دی پھٹکار تو اور دھتکار تو کدے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا او سب تو زیادہ سنگین معاملہ جڑا دن قیامت دے
अल्लाह की अदालत विच उठाया जावना है और उस विच तकरीबन अक्सरीयत लोगों की मुजरिम साबित होनी है। अक्सर लोग उस गुनाह विच मुलव्वस हो सन, अक्सरीयत अवाम दी और खवास दी उस विच मुबतला साबित होनी है। ओ मामला है अमानत और दयानत दा। अगर अमानत और दयानत दे मामले विच किसे शख्स ने लापरवाही कीती है तो दिन कयामत दे ए बंदा बददियानता दी सफ विच शरीक होवणा है और एदा शुमार होवणा है कि ए बंदा खायन है, ए बंदा बददियानत है, इसने फलां मामले विच बददियानती कीती, फलां मामले च बददियानती कीती, चाहे जुबान नाल बददियानती कीती, चाहे जिस्मो जान नाल बददियानती कीती, हत्ता के बंदे ने अख नाल खयानत कीती, तो दिन कयामत दे अक्सर लोग इस अख दी खयानत दी वजह नाल भी पकड़े जाने और अल्लाह दे दरबार दे अंदर उन्होंने अजाब दे अंदर डाले जाने। ता अल्लाह करीम फरमांदन इन्नहु यालमुल खाइनतुल यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह करीम फरमांदन इन्नहु यालमु उहा जात है जेदे कोलू ए मुकम्मल इल्म है और कुल्ली तौर ते ए सारी कायनात दे हालात जानदा है। केड़ी जात? यालमु खाइनतल अयुन, जेड़ी जात बंदे दी अख दी खयानत तो भी वाकिफ है। अख नाल गलत इशारा कीता है, उस अख दे जरिए बददियानती और खयानत कीती है। अल्लाह फरमाता है यालमु, मैं तेरी अख दी खयानत तो भी वाकिफ हूं और मैं जानदा। वमा तुख्फि सुदूर, अल्लाह फरमांदा है अंदरों दिल दे अंदर बंदे खयानत कीती है, ओदे दिल वाली खयानत नूं भी मैं जानदा, ओदी अख दी खयानत नूं भी जानदा, ओदे हाथ दी खयानत है, ओदे पैरां दी खयानत है, ओदे चलण दी खयानत है, ओदे खावण विच खयानत है या पीवण विच खयानत है, किसे मामले विच खायन साबित होया, किसे मामले च खयानत उसकी निकल आई। अल्लाह फरमांदा है खायन आदमी दिन कयामत दे अल्लाह दे दरबार विच अजाबे जिल्लत तो कदे बच नहीं सकदा। अजाबे जिल्लत तो बचण वास्ते इक्को ही नुस्खा है कि बंदा दुनिया दी जिंदगी विच डर डर ते कदम रखे, अपने दिल च अल्लाह दा तकवा ते खौफ पैदा करे, ताकि मेरे कोलू दीन दे मामले विच, दुनिया के मामले में अल्लाह के हुकूक के अंदर या अल्लाह की मखलूक के हुकूक के मामले कदे खयानत ना हो जाए। अगर खयानत हो गई तो फिर दिन कयामत के नतीजा बड़ा गलत होना है और बड़ी दुनिया उस दिन पछता रही होनी है, अफसोस कर रही होनी है, और अफसोस ही इसे चीज़ का होना है, काश जेड़ी अमानत अल्लाह मेरे हाथ रखी है मैं उस अमानत कदे खयानत न कर हाँ तो अज जलील न हो वहां। काश दुनिया के जहान विच अल्लाह दी हर अमानत दयानत का मामला कर हाँ तो अज मेरे वास्ते ये अजाब तैयार न होवे। हाँ उत्थे बंदा रो सी मगर रोवण दा फायदा नहीं होवना, उत्थे बंदा कफे अफसोस मल रहा उसी मगर उत्थे कफे अफसोस मलण दा भी फायदा नहीं होवना। इस वास्ते कुरान मुकद्दस ने दुनिया दे जहान विच बंदे नू डराया और धमकाया और ओ हालात जेड़े दिन कयामत दे पेश आवणन कुरान पाक विच उन्हां दा ऐलान पहले हो गया, निशानदेही पहले हो गई है।
कि अगर ए गलती हुई तो इसकी ए सज़ा होनी है, अगर ए जुर्म हो गया तो इसकी सज़ा ए होनी है। इस वास्ते कुरान की निशानदही तो बाद फिर भी बंदा पास नहीं आता, फिर भी बंदा अपनी इसलाह नहीं करता, तो फिर सिवा अजाब दे होर उहदा इलाज भी कोई भी नहीं होना। इस वास्ते अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस के अंदर वो अमानत दसी है, जिहड़ी अमानत अल्लाह ने जमीन ते भी पेश की, आसमान ते भी पेश की, पहाड़ ते भी पेश की, मगर इतनी जिसामत वाला पहाड़, इतनी बड़ी जिसामत वाली जमीन और इतनी बड़ी जिसामत वाली मखलूक जो अल्लाह की अमानत का भार महसूस किया तो समझा कि मैं इस पर पूरा नहीं उतर सकती, उसने अपनी आजजी का ऐलान कर दिता। रो रो के अल्लाह दे अगे हाथ जोड़ के आख्या, अल्लाह मैं तेरी हर किस्म की फरमा बरदारी कर रही हाँ और मैं फरमान ताबे तेरे चल रही हाँ, मगर अल्लाह ए मेरे को वजन ते भार उठा नहीं सकींदा। इस वास्ते मैं हाथ जोड़ के आखन लगी हाँ कि मैं न सवाब दी तलबगार हाँ ते न मैं अजाब उठा सकती हाँ। इस वास्ते उसने अपनी आजजी और इज्ज़त का ऐलान करके आख्या कि अल्लाह ये मेरे वस का काम ता। अल्लाह फरमा इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात अलस समावात वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमला अल इंसान इन्नहू काना ज़लूमन जहूला। इन्ना अरज़नल अमानता, अल्लाह पाक ने जड़े वेले अपनी अमानत अपनी मखलूक दे अंदर देवण दा प्रोग्राम बनाया, इरादा कीता। उस रब ने सब तो पहले अपनी अमानत आसमाना ते पेश कीती, क्योंकि आसमान जिसामत दे अंदर कद काठ दे अंदर सारी मखलूक विचू उच्चा, सारी मखलूक विचों वड्डा। इस वास्ते अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात, असा अपनी अमानत नू पेश कीता सत्ता आसमाना दे उते और आसमान दे अगे मैं भारे अमानत रखिया ते मैनू इख्तियार दिता, अगर तेरी मर्जी होवे ते मेरी अमानत नू उठा ले, अगर तू उठा लवेंगा ते एदा ए फायदा होना इसका ए नुकसान होना। आसमान ने आख्या, अल्लाह जे मैं भारे अमानत तेरा उठा लवा के अंजाम होना ते के नतीजा होना। अल्लाह करी फरमाते ने अगर भारे अमानत नू पूरे तौर ते तू उठा के और पूरी मेरी अमानत च दयानत दा मामला कीता ता तेरे वास्ते निरा सवाब ही सवाब होना, राहत ते राहत इनाम सुकून होना। अच्छा अल्लाह जे भारे अमानत दे अंदर कोई कमी हो वे, कोई कोताही हो वे, कोई सुस्ती ते कोई गफलत दा मामला हो वे, तो फिर के नतीजा निकलना है। अल्लाह फरमाता है फिर अजाबे सिलत भी देना है, अजाबे जहन्नम दे अंदर भी गिरफ्तार करना है, फिर मेरिया लानतां भी आनिया ने, फिर मेरिया फिटकारा भी आनिया ने, फिर मैं थोड़े उत्ते अपने कहर भी नाजिल करने ने। उसले आसमान ने आख्या, अल्लाह ना मैनू अजाब की जरूरत है ना मैनू सवाब की जरूरत है, ये अजाब ही मेरे को बर्दाश्त नहीं आता, तो इस अजाब को बचने वास्ते तो जोड़ा सवाब मुकर्र किया उस सवाब की भी मैनू जरूरत कोई नहीं, इस अजाब में भी मैं
नहीं उठा सकता, लिहाजा अल्लाह मैं कमजोर हां मैं आजिज हां, मेरे को अमानत उठाई। आसमान ने भी अपनी कमजोरी पेश कर दीती, इनकार नहीं किया। इनकार तो उंज है जिमें इबलीस किया। अल्लाह फरमाया उस युद्ध ले आदम जल्दी कर मेरे आदम नु सजदा कर, उसले अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, उस इनकार कीता तकबर करके आकड़खानी करके कि मैं हाँ आला ते जिसनु सजदा करवा रहे आदम ए है अदना, मैं आग चू बनया ए मिट्टी विचू बने, अल्लाह मैं सजदा ए इनकार है। ये क्या है? ये इनकार है। तो जड़ा आसमान नू अल्लाह अमानत दसी है कि तेरी मर्जी वजन उठावे तो निरा सवाब ही सवाब है, जिन्ने उठा सकदा तो मेरे तरफ जबर मेरे तरफ जोर मैं तेनु देंदा पे उठा लवे तो इस दे बदले ए नेमता भी देसा ए सवाब भी देसा ए अजर भी देसा तो बदला भी देसा तो सिला भी देसा। तो जड़े वेले आसमान ने सुनिया कि जे कमी हो गई जे सुस्ती हो गई फला अजाब ही नाल मिलना है, हो सके अल्लाह इस अजाब नू मैं नहीं चाह सकता, लिहाजा ये सवाब ही अपने कोल रख तो अजाब ही अपने कोल रख। इस वास्ते मैं सवाब दी उम्मीद ते ए अजाब वाला पंडोरा अपने सिर ते नहीं रखना चाहता। लिहाजा आसमान ने माजरत की थी। के की थी? इनकार नहीं माजरत। ए मेरा अल्लाह मैं तेरा फरमा बरदार पहले भी मौजूद हाँ, जिन वेले हुक्म देवे मैं बारिश बरसा देना, जिन वेले हुक्म देवे मैं थुप कर देवा मैं छा कर देवा बदल बना देवा हवा चल जावे, अल्लाह मैं जड़ा कुछ कर सकदा मैं कर रहा, जड़ा कुछ मेरे को होंदे हो रहा है, जड़ा मसीद मेरे उत्ते तू अमानत दा भार रखना चाहता है ते बोझ रखना चाहता है, ये अमानत ते भार बोझ मेरे को नहीं जमींदा, अमानत अल्लाह ने के रखिए। अल्लाह फरमांदा मेरा हुक्म आ वणे ए काम करना है उस वेले करना शुरू कर देना है, जिन वेले हुक्म आ वणे के काम नहीं करना उत्थे रुक वणना है। यह फारे अमानत जिड़ी मैं मखलूक दे अगे पेश कर रहा तो अल्लाह फरमांदा इन्ना अरजनल अमानत अल समावात वल अर्ज, जिने वेले आसमान ने माजरत पेश की थी उस तो बाद मैं भारे अमानत उठा के जमीन दे के रख दिता, किवें आसमान अल्लाह ने सत बनाए ने इवें अल्लाह ने जमीन भी सत तबकों के अंदर बनाइया ने। अल्लाहुल्लज़ी खलक सबा समावात व मिनल अर्ज़ मिसलहुन्ना यतनज़्ज़लुल अमरु बैनहुन्ना, अल्लाह ने सत जमीन भी बनाईया सत आसमान भी बनाए, सत जमीन ते आसमान दे दरमियान अल्लाह ने अपनी अमानत नु चलाया। अल्लाह दी अमानत केड़ी है? या तनज़्ज़लुल अमरु बैनहुन्ना, इन्हां दोवां दे दरमियान अल्लाह दा हुक्म आवना अल्लाह दा आदर आवना अल्लाह दा ऐलान आवना अल्लाह दा अमर ते हुक्म दा आवना, ये अल्लाह दी अमानत है। जिहड़ा अल्लाह दी अमानत समझ के मन किन्ने ओ अमीन है, जड़ा अल्लाह दा हुक्म समझ के फिर भी अमल ना करे ते टाल देवे ओ खाइन है। ओ कौन है? ओ बदियानत है। उस खयानत कीती अमानत च, अमानत च के कीती? खयानत कीती। ता अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह अकबर मैं आसमान ते भी अमानत पेश कीती अपने अमर वाली, उसने भी माजरत ते कमजोरी अपनी जाहिर कर दीती, वत उवा अमानत दा भार उठा के मैं सत जमीन दे उत्ते पेश कीता, फिर जमीन नू इख्तियार दिता उठा लवे तेरी मर्जी है, जे ना उठावे तो तेरे उत्ते जबर कोई नहीं जोर कोई नहीं। जमीन ने भी वो सवाल कीता अल्लाह जे मैं उठा लवा तो फायदा क्यों
आना है कि उठा के कोई सुस्ती कर लवा तो नुकसान के आना है। अल्लाह ने जड़े वेले नुकसान दसिया कि ऐ अजाब आना है, इन जहन्नम च पावना है, इन लानत ते फिटकार ते कार में नाजिल करना है। उस वेले जमीन ने भी आख्या अल्लाह मैं कमजोर हाँ, मेरे को भारे अमानत नहीं उठाया जा सकता, ए मेरा अल्लाह उंज तां मैं तेरे अमर ते हुक्म ते ताबे हाँ, तेरी मर्जी दे मुताबिक चल रही हाँ, जेड़े वेले हुक्म देवे मैं हल वन्या। जलजला आंदा है ना ते जमीन किहदे हुक्म नाल हलदी है, जे वल जमीन हलदी पई होवे ते अल्लाह हलदी जमीन नूं आके ठहर जा, वल केदे हुक्म नाल ठहर दिए, ए मेरा अल्लाह उंज तां मैं तेरे फरमान ते जिंदगी गुजार रही हाँ ते चल रही हाँ, लेकिन ऐ जड़ी अमानत तू मेरे सामने रखी है ए ता भार बहुत भारी है, ए भार मेरे कोलू नहीं चुकया जा सकता, इस वास्ते मेरा अल्लाह मेरी माजरत कबूल कर, मेरी माजरत कबूल कर। त्राए दिन रो रो के जमीन ने माजरत अपनी कबूल करवाई, फिर अल्लाह फरमांदा है वल जिबा फिर जमीन तो बाद बड़ी जिसामत वाली मखलूक पहाड़ आई, पहाड़ बड़ी जिसामत वाला कई कई मीलों ते फैलिया होया जिसका वजन ही बंदा तराजू च नहीं कर सकता, इतना भारी ते भरकम वजूद वाला पहाड़। अल्लाह फरमांदा मैं अमानत पहाड़ा ते रखी ते मैं कह भार पहाड़ उठा लें, आखे अल्लाह जे मैं उठा लवा ते फायदा के आना है, जे दे अंदर कोई कमी हो वे ते नुकसान के आना है। अल्लाह ने फायदा भी बयान किया नुकसान भी बयान किया, पहाड़ डर गया आखन लगा अल्लाह हो सकता है मैं तेरी मखलूक हाँ, मेरे अंदर भी हजारा कमजोरियाँ मौजूद होनिया ने, किसी मौके पर कोई गलती हो गई कमजोरी हो गई, तेरी अमानत ते मामले दे अंदर खयानत हो गई, तो फिर जड़ा अजाब दसदा पिया है ये अजाब मेरे वस का कम कोई नहीं, मेरे को नहीं चाया जा सकता, इस वास्ते अल्लाह मेरी माजरत कबूल कर। त्राए दिन तोड़ी पहाड़ भी रो रो के माफिया मंगता रहा माजरत करता रहा, आखिर अल्लाह ने पहाड़ की माजरत ही कबूल की, जिमें आसमाना की कबूल की जिमें जमीन दी की। फिर अल्लाह पाक फरमांदा है मैं जेड़े वेले ये अमानत इस मखलूक दे सामने रखी इन्ना तो वजन उठावन तो आजरा आजेज आ गए, उन्हें अपनी माजरत पेश की अपनी कमजोरी जाहिर की, उस तो बाद अल्लाह फरमांदा है वह माला हल इंसान। हुण मेरे ख्याल तुसा सुते पए क्योंकि थोड़ा जहा वक्त गुजर गया है ना, मेरा भी तजर्बा तो है थोड़ा जहा कि तुस जागते कदों हो तो सहदे कदों हो, ये टाइम टेबल मैं थोड़ा नोट किया हो और के ख्याल है चली गए। अल्लाह करीम फरमांदे व अशफक ना मिनहा, जमीन भी डर गई आसमान डर गया पहाड़ डर गया कि मेरे को ना फरमानी ना हो वे, मेरे को गफलत सुस्ती ना हो वे, अगू खला इंसान अबुल इंसान अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह फरमांदा है वह मलगल इंसान, मैं उवा अमानत चाह के अपने आदम दे अगे रखी ते मैं आखा ए मेरा आदम ए अमानत जड़ी तेरे सामने मैं रखदा पिया ए मैं आसमाना ते भी पेश कीती ओह भी माजरत कर गई, मैं जमीन दे सामने पेश कीती ओह भी माजरत कर गई है, मैं पहाड़ा दे सामने पेश कीती ओह भी पहाड़ भी माजरत कर गई। हमला इंसान ओ आदम तेरा के ख्याल है
इस मेरी अमानत नू तोड़ चढ़ से के कोई ना, तोड़ नहीं फांसे के कोई ना। आखन लगा अल्लाह जे तोड़ चाण छोड़ा वल मेरे वास्ते केड़ा इनाम मुकरर किया हो, केड़ा बदला रखिया हो। अल्लाह फरमांदा जे मेरे भारे अमानत नू मुकम्मल तोड़ चाण छोड़िया, ए मेरा आदम तू चाड़ छोड़े, तेरी बेटी चाड़ छोड़े, तेरा बेटा चाड़ छोड़े, कोई गोरा ते काला चाड़ छोड़े, कोई अरबी ते अजमी चाड़ छोड़े। जेड़ा बंदा वी नू तोड़ निभा देवे, इस भारे अमानत नू तोड़ निभा छोड़े। अल्लाह करीम फरमांदे उन्हां सारिआं वास्ते मैं ऐलान कर रहा कि जन्नत भी देसा, जन्नत च हूरां भी देसा, जन्नत च नूरां भी देसा, जन्नत च खिलमान भी देसा, जन्नत च गुलाम भी देसा, जन्नत च खुदाम भी देसा, जन्नत च इनाम भी देसा, जन्नत च फल भी देसा, जन्नत च फुल भी देसा, जन्नत च दरख्त भी देसा, जन्नत च साया भी देसा, ओ जन्नत च दुध दियां नहरां भी देसा, जन्नत दे अंदर शहद दियां नहरां भी चला के देसा। खालिस पानी मिले, खालिस दुध मिले, खालिस शहद मिले, पानी शहद दे अंदर मिक्स नहीं होना, पानी दुध च। हुण चुप कर वंजे, पानी दुध विच शरीक नहीं होना, दुध अलग होना है, पानी अलग होना है, शहद अलग होना है। इत्थे तां बाल्टियां विच मिलदा है, बोतलां विच मिलदा है, उत्थे नहरां विच सुभान अल्लाह उत्थे मिलसी, इत्थे मिले छटाकियां विच, इत्थे मिले किलो विच, इत्थे मिले तराजू विच रख के, उत्थे मिले बगैर हिसाब। उत्थे हिसाब ही कोई नहीं आवना, उत्थे तराजू भी कोई नहीं आवना, उत्थे छटाकियां ते बोतलां भी कोई नहीं आवनियां, ते उत्थे शापर भी कोई नहीं आवने। इस वक्त अल्लाह फरमांदा जिहड़ी शै दा दिल करे, कुलू वशरबो हनीयम बिमा असलफतुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह फरमांदा जदों दिल करे, जितना दिल करे खावण ते, जितना दिल करे पीवण ते, पावण ते, सवण ते, जागण ते, उठण ते, बैठण ते, राहत ते, सुकून ते, सुरूर ते, जुफून ते। अल्लाह करीम फरमांदा कोई पाबंदी कोई नहीं, लकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिया मा तदउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमांदा तुहाडी मर्जी ते छोड़ देवणा है, जिवें मेज़बान चीज़ां रख के मेहमान नूं आंदा मर्जी है, जड़ी शै खावना चाहे खा लै, जड़ी चीज़ मर्जी है पीवना चाहे पी लै। जिवें मेज़बान अपने मेहमान दे हाथ नूं नहीं रुकेंदा, अल्लाह फरमांदा है ओ जनतिया अज तू मेरा मेहमान है। अल्लाह अकबर, अज मेरा मेहमान बन के आया, जे तू मेरी अमानत दयानत की, मेरी अमानत खयानत नहीं की, अज ओदा बदला एवे, अज ओदा इनाम एवे, अज ओदा सिला एवे। अल्लाह फरमांदा है नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। जन्नत च बंदा वजना है, मेहमान बन के वजना है, वाला शान बन के वजना है, आला मकाम बन के वजना है, उतो अल्लाह ने नाल ऐलान भी कर देना है, इन्ना हादा कान लकुम जज़ान व कान सईयुकुम मशकूरा। अल्लाह नाल तू ऐलान भी करना, ओ बंदा मेरा कोई एहसान नहीं तेरे उत्ते, कोई मेरी मिन्नत कोई नहीं तेरे उत्ते, ए उहो तेरा अमल है जड़ा मेरी अमानत च खयानत दुनिया ते ना कीती हावी। आहो अकबर, उत्थे वन के पता लगना है जे अमानत नाल मुआमला दयानत आला कीता है, ते आज अल्लाह सिला कितना दिता है। इत्थे चार टकियां दी लालच च बंदा आके अल्लाह दी अमानत च
खयानत करता पिया है, दुनिया के मामले च खयानत करता पिया है, पैसे के मामले च खयानत कर रहा है, जमीन के मामले च कर रहा है, सोने ते चांदी के मामले च कर रहा है, पैसे ते रुपए ते ठप्पे के मामले च कर रहा है। आज दुनिया की लालच के अंदर आके अल्लाह अकबर मजबूरन गल करनी पैंदी है। अल्लाह दे घर विच बैठ के अल्लाह दे घर दा अल्लाह दा घर भी अमानत, अल्लाह दा घर भी ए बतौर अमानत सानू मिले है, और अल्लाह दे घर विच जो कुछ है ये भी बतौर अमानत दे है। ते जेड़ा बंदा तस्बी हाथ च पा के सिर ते टोपी रख के शक्ल मुसलमाना वाली बना के दाढ़ी सुन्नत दे मुताबिक रख के मस्जिद चंदा होवे गिणदा पिया होवे, उस चंदा गिणन दे दौरान अधे पैसे जेब च पा लवे, अधे मस्जिद दे फंड च पा देवे, तवज्जो है, अधे मस्जिद दे खाते चले गए, अधे अपनी जेब में चले गए, ए मामूली अल्लाह दी अमानत जेड़ी पैसे वाली है, पैसा हकीर चीज है, आज तेरे हाथे चे कल किसे होर दे हाथे चे, ए रहन वाली चीज ही कोई नहीं। जेड़ा बंदा अपने ईमान दा सौदा इना चार टकियां ते करदा है, उस किरार ते किसे होर मामले च एतमाद हो सकदा है? उस हिंदू ते खत्री दे उत्ते किसे होर मामले में बंदा इतबार नहीं कर सकता। ओदियां नमाजा ते लानत, ओदे रोजे ते लानत, ओदे हज और उमरे कीते ते लानत, ओदियां शकलां बढ़ावन ते लानत, ओदियां तस्बियां पढ़नियां ते लानत, ओदा मस्जिद च आवन ते लानत, वापस जावन ते लानत, ओदे सहने ते लानत, ओदे खाने ते लानत, ओदे पीने ते लानत। दुआ करो कि अल्लाह उस बंदे की शकल इस दुनिया खिनजीर दी कर देवे। सारे दुआ करो अल्लाह उस बंदे नू कुत्ते दी शकल बना के दुनिया ते मारी, अल्लाह उनू इबरत दा निशाना बनावी। जिस शख्स ने इतनी हया नहीं कीता, अल्लाह दे घर दा हया नहीं कीता, अल्लाह दी अमानत दा हया नहीं कीता, के मजदूर पेशा लोग किस तरह कमा के अल्लाह दे घर च उन्हें रुपया रुपया दिता है, दस दस रुपए दिते, सौ रुपए सौ रुपए दिते, उसने गनीमत समझ के काफिर दे बच्चे ने उस पैसे नू जेब च अगर पाया है तो उसके नाल दा खतरी दिन कियामत ते होर कोई नहीं आवना। इस वास्ते मेरी दुआ है, मैं अल्लाह दे रसूल दे मिंबर ते बैठ के आख रहा, अल्लाह मैं देखना चाहता वो दुनिया के अंदर इन्हों रोडा के अंदर कुत्ते की शक्ल बन के चल रहा हो, ओ इंसाना दी शक्ल बन के कबर च न जावे, इंसाना दी शक्ल लैके मैदान कियामत च ना आवे। अल्लाह घर विच जावे तो लोग औलाद उन्हूं आखन कुत्ता आ गया, चौक ते बाजार च निकलन वो आखन हाजी नहीं आ रहा, ये नमाजी नहीं आ रहे, खान साहब नहीं आ रहा, ये खिनजीर आ रहा है। जागदे पए हो? अमानत बहुत बड़ा मामला है, अगर बंदा ना उठा सके तो आसमान ने भी माजरत चकी थी, जमीन ने भी माजरत की थी, पहाड़ा माजरत की थी, तू केड़े बाग दी मूली है जे अमानत का भार नहीं उठा सकता, माजरत कर कुत्ते का पुत्रा पीछे हटवन, अगे आवन की केड़ी जरूरत है। अगर इंसानियत तेरे अंदर है तो तू भार उठावे हा तो सही माने च उठा के विखावे हा, जिवें उठावन का हक होंदा है। इस वास्ते अल्लाह ने आसमान ते भार रखिया उन्हें माजरत की, जमीन ते रखिया उस माजरत की, पहाड़ा ते रखिया उन्हें माजरत की। वहामलाहल इंसान, अल्लाह ने जिन वेले आदम अलैहि सलाम नाल गल की, आदम अलैहि सलाम आखन लगे अल्लाह ये अमानत मैं उठा लवा, एदा भार मैं तोड़ निभा लवा, ता फिर फायदा क्यों होना है? अल्लाह ने दसिया दे वास्ते इतने फायदे आवने, इतने इनाम आवने, इतना मैं सिला भी दे सा, अजर भी दे सा, ते बदला ते सवाब भी दे सा। जेड़े वेले अल्लाह ने ए गल की, आदम अलैहि सलाम आख्या अल्लाह जे अमानत उठावण इतने इनाम मिलते ने ते ए अमानत मैं उठावन लग गई। हमला हल इंसान,
इंसान ने अमानत उठा ली। फिर अल्लाह पाक फरमाता है वक्त गुजरता रहा, वक्त चलदा रहा, उस आदम दी औलाद ओदी नस्ल अगे चली, ओदी औलाद अगे चली, बड़ा इजाफा होया, बड़ी जमीन ते फैल गई मखलूक, मखलूक जमीन ते, बोलो बोलो, जमीन मखलूक ते फैल गई। जे फैल वंजे ते अल्लाह फरमांदा जिम्मेदार तो मैं हाँ, रिज़्क तां मैं देना, मखलूक अल्लाह दी फैल दी पई होवे ते वे हैरान बिल गेट पिया होंदा होवे, तवज्जो है, परेशानी बिल गेट्स नू लग वंजे, मखलूक अल्लाह दी फैल दी पई होवे ते परेशान बुश होवे, परेशान ड्रम होवे, जानते पे हो है, ये मखलूक तो अल्लाह दी है ना, फैल वंजे घट वंजे थोड़ी होवे ज्यादा होवे, क्यों इहदे रिज़्क दा इंतजाम उहदे हाथे च, ये हकूमतां दे हाथे च रिज़्क होवे हा तो कदों ते मर गए होवो, टिकाणे लग गए होवो हा, उन्हां तो मारन की कोशिश की त्रै महीने हर शै बंद कीते, वत जींदे पए हो, वत भी जींदे पाया, तो मजीद अगर साड़ी हर शै बंद करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह साडा ऐलान है सारी कायनात अपने असबाब बंद कर देवे, जब तक जिंदगी अल्लाह दुनिया की लिखी है, जेड़ी रात कबर चे ओ रात जमीन दे उत्ते नहीं आ सकती, जेड़ी रात कबर दे अंदर लिखी है ओ उत्ते नहीं आ सकती, जेड़ी उत्ते लिखी है ओ अंदर नहीं आ सकती, जेड़ा लुकमा अल्लाह साडे नसीब विच लिखे है ओ साडे पेट दे अंदर रह सकदा है, बाहर नहीं रह सकदा। क्या ख्याल है भाई, जागदे पयो, अल्लाह दी मखलूक फैल गई है, बेशुमार मखलूक फैल गई हैं, मर्द भी हैं, औरतां भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, गोरे भी हैं ते काले भी हैं, अरबी भी हैं ते अजमी भी हैं, हर जुबान ते लिसान वाला मौजूद है, अल्लाह दी मखलूक फैल गई है, अल्लाह दे पाक बाज बंदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भार चाया, इस भार चावन दे अंदर थोड़े लोगों ने, आदम दी थोड़ी औलाद ने इस वजन का हक अदा किया, इस भारे अमानत नू तोड़ चाड़न का हक अदा किया, अक्सरियत लोग, तवज्जो है, अक्सर लोग ना शुक्रे साबित होए, अक्सर लोग ना फरमान साबित होए, अक्सर लोग बागी साबित होए, अक्सर लोग गद्दार साबित होए, अक्सर लोग गुनागार साबित होए, अक्सर लोग खताकार साबित होए, जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान पता के आदा है, अल्लाह करीम फरमांदा जड़े वेले आदम ने भार उठा लिया, आदम अलैहि सलाम ने वादा किया ते मैं आदम नाल वादा किया, ए मेरा आदम, ए औलाद आदम, अगर तुसा मेरे भारे अमानत नू अपने सिर ते उठावन वास्ते तैयार हो गए हो ते फिर आओ मैं तुहाडे नाल अपनी रहमत भी नाल नाल रखसा, मेरी मदद भी तुहाडे नाल आउणी है, मेरी नुसरत भी तुहाडे नाल आउणी है, मेरी रहमत ही तुहाडे नाल आउणी है, मेरी बरकत ही तुहाडे नाल आउणी है, मेरी इनायत ही तुहाडे नाल आउणी है, मेरी शफकत तूफत तुहाडे नाल आउणी है, मेरा अजम ते नज़म तुहाडे नाल आउणा है, मेरा इनाम इकरा तुहाडे नाल आउणा है, जे तुसां वादा करो, आदम ने वादा किया, औलाद आदम ने वादा किया, अल्लाह ने भी उहदे नाल वादा कर छोड़िया, गे तू मेरी अमानत च खयानत नहीं करनी, आ फिर मैं तेरे नाल वादा कर रहा, मैं तेरी अखां ते दो छप्पर बना रहा, मैं तेरी जुबान दे सामने दो होठ बना रहा, मैं तेरे जिस्म दे तेरे नफ्स दी ख्वाहिशात वास्ते और तेरे जिस्म वास्ते, अल्लाह फरमांदा है मैं आसमाना तो लिबास उतार रहा, अल्लाह ने लिबास उतारिया, अल्लाह फरमांदा है तेरी हिफाजत वास्ते उतारिया, ए मैं तेरे अखां दे दो छप्पर बनाए ने, तेरी हिफाजत वास्ते बनाए ने, ए जुबान दे सामने दो होठ बनाए ने, ए तेरी हिफाजत वास्ते बनाए ने, अल्लाह फरमांदा है चूंकि मैं तेरी इमदाद करना चाहना, ओ मेरे नाल वादा करन वाले आ, ओ अमानत च दियानत करके विखावण वाले आ, मैं तेनू आदा पिया, अगर जुबान तेरी मेरे खिलाफ चलन का इरादा करे ते दो होठ नाल
बंद च करी ते जबान नू हलन ना देवी। अगर तेरी अख खयानत करन लगे, गलत पासे जावन लगे, जेड़े पासे अल्लाह मना कीता है उस पासे वेखण दा इरादा करे, ते तेरे मैं दो छप्पर उत्ते लाएन, इन्हां नू के करी बंद कर से ते वेख नहीं, नहीं वेख सकदा ये अख बंद करो बंदा नहीं वेखता, ते जेड़ा कबर विच दफन होया पे वह तो लुवेदा पे, वह लुंडी चिड़ी बुझी पे, वो इतनी उन्हें पता है कि उत्ते बंदा सुथण पाई खलै के चादर बनी खलै, मुर्दे नू ए पता ही लग पैंदा है जेड़ा कबर विच पिया है सत गज मिट्टी दे तले ओ वेदा पिया है, ते जेड़ा छप्पर एक इंच दा भी कोई नहीं, अगर एक इंच मोटाई बढ़ाओ ना ते अख दे उतले तलवें छप्पर नू मिलाओ तावी एक इंच मोटाई नहीं बनती, एक इंच मोटाई दा पर्दा अख ते अल्लाह पाक इस वास्ते बनाया है जे ए अख किसे गलत पासे वेखना चाहे तो इनू के करें, तवज्जो है अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम फरमांदा है मैं मोमना नू भी आख्या ते वकुलिल मोमिनात यगसुज़न मिन अबसारिहिन्ना, मैं मोमना नू भी आख्या, मोमिन औरतां नू भी आख्या ते मोमिन मर्दां नू भी आख्या, जे अख गलत पासे जा रही होवे तो तुसां के करना, यगसुज़न मिन अबसारिहिम, तुसां अपनियां अखां बंद कर लेने, अखां नू बंद कर लेने ताकि तुहाडी अख गलत पासे वेख के बदियांती ना करे, अमानत च खयानत ना करे, अमानत वे जड़ियां चीज़ां नू अल्लाह वेखण दी इजाजत दिती है इस अख नाल वेखे तां ओ चीज़ां वेखे, इस अख नाल वेखे तां ओ चीज़ा वेखे, ये इस अख नाल ओ चीज़ा वेखे जड़ियां अल्लाह ने मना कीतियां के नहीं वेखना, तो वल बत्ती अंती बन वजनी है, वल अमानत च खयानत हो वजनी है, ते अल्लाह तेन कियामत ते पकड़ना है। ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया के बंदे दी अख अगर गलत पासे वेखे तो दिन क्यामत दे ए अख जानिया शुमार होनी है, दिन क्यामत दे लिखे खलाउसी एदी अखा ने जिना कीता है, एदे हत्था ने जिना कीता है, एदी अकल ते सोच ने जिना कीता है, इसते जिस्म ने जिना कीता है, एदे हत्था पैरा ने जिना कीता है, एदी जुबान ने जिना कीता है, जिना दिया कई किस्मन जिथे भी बदियंती करसी उस चीज का जिना लिखा जा सी, ऐनान तज़नियतान अखां दे बारे भी आया कि अखां ज़ानियन जड़ियां उस पासे वेखन जड़ियां पासे अल्लाह ने मना कीता है, तवज्जो है, जड़े पासे मना कीता है उस पासे खोल के अखां फाड़ के वेदा है, ते जड़े पासे अल्लाह वेखण दा हुक्म दिता है उत्थे आंदा है ते नींद आ वेंदी है, सुता पिया होंदा है, तवज्जो है, जुमे ते बंदा आवे, जुमे ते हुक्म है कि जेड़ा खतीब बयान कर रहा होवे उस खतीब वाले पासे वेखे, नज़र नाल नज़र मिला के, सीने नाल सीना मिला के कुरान जदू सुन सी कुरान दा असर डायरेक्ट दिल ते हो सी, ते जेड़ा नाराज हो के इंज कीती पिया होवे ओदा असर तो मेरे ख्याल कच्छ चो निकल वे सी, के ख्याल है जागदे पे हो, हुण जिहड़े पासे वेखण दा हुक्म है उदा ही वेखना चाहिए, मैं तुहानू वेखां ते तुसां के ख्याल है या नाराज बैठे हो, अमानत च दयानत होई ते दिन कयामत दे छुटकारा हो वैसी, जे अमानत च खयानत किसे मामले च भी हो गई ए भी तो खयानत है ना, कि बंदा जिहड़ी शह का हक अदा करना जिहड़े अल्लाह कुरान नू अमानत बनाया है, अल्लाह दा इज़ा कुरी अल कुरान फस्तामी ऊला, कुरान दी अमानत च दयानत तां हो सकती है कि जदा कुरान पढ़िया जावे, फस्तामी ऊला सारे जहान तू तवज्जो हटा के ते कन कुरान आले पासे ला देवे, एह अमानत, एह खयानत है कि कुरान पढ़ींदा पिया होवे तेरा दिल
तवज्जो है, हाथ कार वल दिल यार वल। सुभान अल्लाह, बैठा मसीती होवे ते दिल किथाई पे फिरदा होवे, दिल किथाई पे फिरदा होवे। मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हन कि मैं स्कूल पढ़न वास्ते जा रहा मैं साइकिल चला के, अगे मैं देखा ना एक अयाल जड़ा बकरियां चराव वाला नहीं होंदा, वो बकरियां चराव वाला आजड़ी बैठा है हो जंगल दे कोने दे अंदर, वो आधा बैठा है, पक्षी बैठा है बनेरे ते, पक्षी बैठा है बनेरे ते, आखे बुत मेरा मंजी ते रूह सजना दे डेरे ते। तवज्जो है, तुहाडा ए हाल तो कोई नहीं ने कि बुत तुहाडा मस्जिद उसामा विच रोह तुहाडा सजना दे डेरे ते पे फिरदा होवे। इंज नहीं करना ना, जिथे अमानत दा मामला आ जावे उत्थे तेरा रूह भी हाजिर होवे, उत्थे तेरा जिस्म भी हाजिर होवे, उत्थे तेरा दिमाग भी हाजिर होवे, उत्थे तेरा ध्यान ते ख्याल भी हाजिर होवे। हर चीज़ नू चौकन्ना करके पाबंद करके अल्लाह दी अमानत आले पासे ला, फिर देख अल्लाह दी रहमत किंज वसदी है। अच्छा जागदे पे हो, अल्लाह ने अमानत पेश की थी, फिर अल्लाह पाक ने नाल वादा किता है, ओ इंसान जे तू अमानत खयानत को नहीं करनी, मैं तेरे नाल वादा कर रहा, तेरे अखा ते तू छप्पर ला रहा ताकि तेरी अख खयानत ना करे, तेरी जुबान ते भी दो पहरेदार होठ बना दितन ताकि तेरी दो जुबान बेअंती ना करे, मैं तेरे वजूद दे उते लिबास पवा दिता है ताकि तेरा नफ्स भी काबू दे अंदर है वन्ये, इसनू नंगा ना करी, इसनू जलील ना करी, दुनिया दे सामने बेहया ना बनी, बेशरम ना बनी, तेरे शर्म ते हया दे परदे रखण वास्ते मैं लिबास उतारे, इस वास्ते तेरे नफ्स दे उते काबू पाउण वास्ते, तेरी ख्वाहिश दे उते काबू पाउण वास्ते, कि तेरे नफ्स दे अंदर भी हया ते शर्म बाकी रहे, तेरी अख छयावे, तेरी सुबान छयावे, तेरे कन्ना ते हयावे, तेरे वजूद ते हयावे, तेरे दिल छयावे। अल्लाह पाक ने फरमाया हमला अल इंसान, इंसान ने भार उठाया जिन्ना उठावन दा वादा कीता है और निभावन आले पासे चल पाए, मैं उन्हां दी मदद कीती, उन्हां दी अख भी खयानत नहीं कर रही, उन्हां दा हाथ भी खयानत नहीं कर रहा, उन्हां दे पैर भी खयानत नहीं कर रहे, उन्हां दी सोच भी खयानत नहीं कर रही, वो हर मामले च अमानत ही अमानत कर रहे हैं। अल्लाह फरमांदा है लेकिन अक्सर लोग जड़े न ओ के हो गए, खायन हो गए, अक्सर मर्द खायन हो गए, अक्सर औरतां बदयानत खायन हो गई हैं। अल्लाह फरमांदा है आओ सुन लो, जिन्हें खयानत की है उन्हां दा अंजाम के वे, लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफिकीना वल्मुनाफिकात वल्मुशरिकीना वल्मुशरिकात। उन्हें चू अक्सर लोग होवन जड़े बदयानत खाएन, कुछ लोग होवन जड़े उत्तू कलमा पढ़तन ते विचू खाएन, विचू के हैं उन्होंने कुरान ने मुनाफिक आखे, उन्होंने कुरान ने मुनाफिक आख्या, ओ मुनाफिक। अल्लाह फरमान ये मुनाफिक नहीं, तवज्जो है, कट्ठे बह के नुकसान पे पहुंचाना है, हिक्के दस्तरखान ते बह के ते विचू सप बनिया बैठा है, तवज्जो है, वो जागदे पे हो के सुते पे हो, ओ खिनजीर आ जे दुश्मन बनता है तो सामने आ ना, दुश्मनी करके विखा ना, डाकू चोर बनने मस्जिद दा तो सामने बन के विखा ना, सज्जन बन के इंज क्यों कीता ई, दोस्त बन के इंज क्यों कीता ई, भाई बन के इंज क्यों कीता ई, दस्तरखान ते रोटियां खिला के रोटियां खा के इक्की जगह ते बह के इंज क्यों कीता ई, ओ कुत्तिया ओ जहान दा खिनजीरा, जे इंज करन हावी तो अलल ऐलान करे हा, छुप के कीता ई तो अब अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल दा पुत्तर है, मुनाफकों का सरदार है, और इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकल असफले मिनन नार, मुनाफकों के बारे अल्लाह कहे सारे लोग जहन्नम उत्ते तबके बनाए, और सब तो थरला तबका मैं मुनाफकों वास्ते बनाया,
لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اللہ کریم فرما دین منافقاں نو عذاب دیونا ہے بھاویں وہ منافق مرد ہوئے بھاویں منافق داڑی والے بھاویں منافق نمازاں پڑھن والے بھاویں منافق اتوں سجن بنن والے اتوں بھائی بھائی کرن والے تے وچوں کپن والے وچوں کتلیاں والے وچوں سور دیاں سولاں رکھن والے انہاں منافقاں نوں عذاب دیونا ہے بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں عورتاں ہوئیں والمشرکین والمشرکات بدیانت ہوئے مشرک جڑے اتوں بھی بدیانت وچوں بھی بدیانت جنہاں کھلم کھلا اللہ دے قانون دی بغاوت کیتی اللہ حکم دیتا ہے انہاں نہیں منیا توجہ ہے اللہ حکم دیتا ہے سجدہ میرے اگے کرنے انہاں قبراں تے کیتا اللہ حکم دیتا ہے نظرہ میرے ناں دیاں دینیاں انہاں ون کے پیراں فقیراں دے ناں دیاں نظرہ تے نیازاں ونڈیاں والمشرکین والمشرکات مشرک مرد تے بھاویں مشرک عورتاں جنہاں کھلم کھلا اللہ دی امانت وچ خیانت کیتی او وی مجرمین جہنمین تے جنہاں منافق بن کے خیانت کیتی او وی جہنمین وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ہاں اللہ فرماتا ہے جنہ میری امانت دا حق ادا کیتا میری امانت خیانت نہیں ہون دیتی بھاوے مومن مردن تے بھاوے عورتن وَيَتُوبَ اللَّهُ میں اللہ دیا ساریاں رحمتاں انہاں واسطے میری رحمتاں بھی انہاں تے میری برکتاں بھی انہاں تے میرے انعام بھی انہاں تے اللہ پاک فرماندے نے وکان اللہ غفور الرحیم او منافق مردا او منافق عورت او مشرک مردا او مشرک عورت سن لے سن لے وکان اللہ غفور الرحیم دروازے دنیا تے بند نہیں کیتے جے ہن وی توبہ کر کے بندے دا پتر بن ونجے جڑیاں لوگاں دیاں منتاں لٹیاں نہیں واپس کر دے جڑیاں لوگاں دیاں حق مارے نہیں واپس کر دے اللہ دی مخلوق دا حق مارے آئی اونوں راضی کر انہاں دے واپس کر اللہ دا حق مارے آئی اللہ دے گھر دا حق مارے آج توبہ کر دروازہ بند کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے جیڑیاں رحمتاں مومناں تے کرساں جے آج توبہ کر کے ایمان قبول چا کرے تے حق واپس چا کرے تے اوے رحمتاں تیرے تے وی نال کر دے ساں وکان اللہ غفور الرحیم قرضہ لے آوی قرضہ کھا گئے تیرے پیو دا پیسہ آئی توجہ ہے اللہ دی رحمت دا دروازہ کھلے آج بھی جے دے کولوں قرضہ لے او دے گھر دروازہ کھٹکا کے او دے کولوں معافی منگ کے قرضہ موڑ کے آ اللہ فرما دا ہے میرے دروازے تے بعد پہنچ سے معافی نامہ پہلے لکھ دے سا اللہ عمل دی توفیق دے وے